हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो बहुत लेट से जा रही है, तो मैंने सुबह में सारी तैयारियां कर ली थी और अब 6:30 बजे से ये पूजा स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं पूजा का मैं वीडियो बनाऊं। तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो वीडियो था जो मैंने पहले डाल दिया है, और यहाँ पे मम्मी जी पूजा कर रही हैं। तो हमारे यहाँ मिट्टी का मूर्ति बनाया जाता है जो पीढ़ा पे बनता है, तो इसी का पूजा होता है। तो मम्मी जी जैसे जैसे मुझे बता रही हैं मैं वैसे वैसे पूजा कर रही हूँ। तो पूजा में मैंने सारी सामान लिया है, तो दान का जो डलिया होता है वो मैंने ख़रीदा, और जितने भी श्रृंगार का जो सामान होता है उसमें मैंने डाल दिया है डलिया में। और उसमें रहता है बिंदी, ऐना, कंघी, चूड़ी, आलता, रिबन, और ये सब सारे सामान डलिया में डाला जाता है। और एक तरफ मैंने पूजा में मैंने लिया है बेलपत्र, फूल, माला, रूड़ी, चंदन, फूल, दिया, ये सब मैंने पहले ही से तैयार कर लिया है। और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाया है और एक कलसा भी बनाया जाता है जो आम का पत्ता होता है, उस पर है ना कोई भी नारियल या कोई भी और भी फल रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे फल में 5 तरह का फल मैंने लिया है, नींबू, खीरा, सेब, अनार, केले, ये सब होते हैं। और मैंने जो पहले पकवान में बनाया था ठेकुआ, पलकिया और पुआ, खजूर हमारे यहाँ बनते हैं वो सब, और इसके साथ पापड़, सभी चीज़ को मैंने 5-5 या 11-11 जैसे हो सके वैसे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सारे सामान मैंने चढ़ाया है, और इसके साथ मैंने सभी पे चंदन, रोड़ी, सिंदूर, सारे चीज़ मैंने लगाया है। और ऐसे ही पूजा होता है, तो उस दिन हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, निर्जला, पानी भी नहीं पिया जाता है। तो इसी तरह तीज का हम लोग के यहाँ पूजा होता है। तो हम लोग सारे श्रृंगार करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, ये सब हमारे यहाँ होता है। जो शुरू से मैंने किया है वही हम लोग करते आते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे मम्मी जी बता रही वैसे वैसे मैंने पूजा किया है। तो यहाँ पे देखिए सारे सामान तैयार हैं, और एक एक करके मैंने सारे पूजा में कर रही हूँ। और इसमें ये रात ही में पूजा होता है, कभी कभी मुहूर्त भी निकलते हैं, तो मगर इस बार ऐसा नहीं था, तो 6:30 से 9 बजे तक है ना पूजा कर सकते थे, तो इसीलिए हम लोग ने स्टार्ट किया है 6:30 बजे से। तो धीरे धीरे यहाँ पूजा हो रहा है। तो पंडित जी तो इस बार नहीं आए क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम लोग घर ही में खुद से ही ये पूजा किया है, और कथा खुद ही किताब से हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारी पूजा तो अच्छी तरह से हो रही है। तो देखिए इस तरह से सुबह में बहुत काम था क्योंकि हमारे यहाँ पेंटिंग हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो मगर फिर भी सारी चीज़ मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था, तो इसीलिए धीरे धीरे सारी चीज़ अरेंज हो चुके थे, और सारे फल भी हमारी सोसाइटी में मिल गए थे, तो कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं हुई इस बार। मगर अच्छी तरह से पूजा हम लोग कर रहे हैं घड़ी में। और सुबह में हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कैसे बाज़ार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे मार्केट बंद थे। खुलते हैं मगर सुबह ही में खुलते हैं 10 बजे के बाद से, तो फिर हम लोग को पास
समय बिल्कुल नहीं था, तो हम लोग मैं नीचे गई तो सारे सामान भी मिल गए, फूल भी मिल गए, माने कोई चीज़ का दिक्कत इस बार नहीं हुआ है। ऐसे भी हमेशा नहीं होता है, मगर इस बार प्रॉब्लम तो आया है, मगर इस बार सारे शंकर भगवान हम लोग की सारी प्रॉब्लम को दूर करे, तो हम लोग धीरे धीरे सारी पूजा मैं कर चुकी हूँ। अब मम्मी जी कुछ बताएंगी, तो इधर मैंने आज और इस पूजा को करने के लिए रेड साड़ी, रेड या पीला तो कोई चीज़, और इधर मम्मी जी अब पूजा स्टार्ट कर रही हैं, तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया मैंने वैसे ही किया और खुद ये कर रही हैं। तो ये मूर्ति के बारे में मैंने जो बताया, तो घड़ी में ये मूर्ति बनता है, इसीलिए इसमें शंकर जी बनते हैं, पार्वती जी बनते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, और इसके साथ मट्टी के घीये भी बनाए जाते हैं, उसमें सिंदूर डाला जाता है, हमारे यहाँ इसी तरह का रिवाज है। तो हम लोग बचपन से देखते ही आ रहे हैं कि किस तरह से ये मूर्ति बनता है। तो शादी के पहले भी मैं ये तीज करती थी, हमारे यहाँ होता है, तो इसीलिए हम लोग को आइडिया पहले से कैसे कैसे होता है। वैसे ही मेरे ससुराल में भी होता है, तो हम लोग वैसे ही पूजा करते हैं, और इसमें बिल्कुल प्यास नहीं लगती है और ना कुछ होता नहीं ऐसा। और सुबह में जब ये शाम में जब पूजा है ना स्टार्ट होता है, तो रात भर कीर्तन भजन भी सभी लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ तो दो आदमी थे, इसीलिए हम लोग दोनों ही मिलकर पूजा किए हैं, और अच्छी तरह से पूजा हो गया था। और इस पे वस्त्र भी है ना हम लोग चढ़ाए हैं, क्योंकि इसमें रेड या येलो कलर का चढ़ता है। और डलिया भी बहुत अच्छी मिल गई थी, क्योंकि हमारी बगल ही में बनता है डलिया, तो उन्होंने हम लोग को पहले ही पूछ कर गई थी कि आप लोग डलिया लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, तो हम लोग ने बोला नहीं क्यों नहीं लेंगे। तो डलिया इस बार बहुत अच्छी मिली, क्योंकि हर बार बाजार का जो रहता है डलिया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एकदम थोड़ा पुराना रहता है अभी, क्योंकि है ना पुराने भी रंग कर डलिया को बेच दिया जाता है, मरीश वर्दम नए नए बाँस के दम हम लोग खुद देखे थे कैसे बनता है, तो बहुत अच्छा लगा डलिया हम लोग को लेने में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होता है, और उस पूजा स्टार्ट होने के बाद गीत होता है, कीर्तन होते, भजन जितना हो सके वो लोग करना चाहिए, और फिर हम लोग कथा भी सुनते हैं। तो ये व्रत सुबह में है ना, सबसे पहले स्नान कर भगवान जी को प्रणाम कर संकल्प लिया जाता है कि हमारा व्रत अच्छी तरह से हो जाए, यही मन में कामना रहता है, और साल भर अच्छी तरह से होता रहे। तो आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट से जा रही है, क्योंकि घर में इतना काम था कि मैं इस वीडियो को डाल नहीं सकी, और इसमें मम्मी जी खोंचा दिया जाता है तभी ये कथा होती है, तो एक दूसरे को आँचल में ये खोंचा दिया जाता है और उसके बाद कथा होती है। तो हम लोग एक तरफ किताब से कथा नहीं होकर हम लोग मोबाइल ही से कथा सुन रहे हैं, क्योंकि किताब इस बार मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारे घर ही पे वहाँ छूट गया था, तो इस बार हम लोग दूसरे घर में हैं, तो यहीं रह चुके थे, तो हम लोग बोले नहीं किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, आजकल तो सब मोबाइल से ही हो जाता है, तो हम लोग उसी से कथा सुन लिया, और इसी तरह कहानी होती है। तो इसमें बिल्कुल रात भर सोया नहीं जाता है, न पानी पिया जाता है, इस तरह से ऐसा किताब में लिखा हुआ रहता है। तो सारी कहानियाँ हम लोग ने सुना, बहुत अच्छा लगा। और अभी कुछ और बाकी था पूजा में, तो इस तरह से मम्मी बता रही हैं, तो धीरे धीरे मैं फिर से पूजा स्टार्ट की हूँ, क्योंकि पहले भगवान जी को मैंने श्रृंगार किया और उसके बाद
मम्मी जी ने पूजा किया, उसके बाद मुझे बता रही हैं किस तरह से पूजा होगा, तो उस तरह से मैंने पूजा किया है। तो पंडित जी सुबह में आएंगे, तो इसमें जब पारण होता है तो जौ के आटा से होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, अगर नहीं रहे तो खीरा से, खीरा का जो बीज होता है अंदर वाला उसी से अपना फास्टिंग तोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो खाना रहता है वो बनता है पारण का, तभी ये व्रत टूटता है। तो इसी तरह से एक पूजा होता है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग बहुत टेंशन में थे, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने दिखाया था वीडियो में कि हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो इसीलिए तो थोड़ा सुबह में काम मजदूर लोग चले जाते थे, लेबर लोग, तो है ना, उसके बाद हम लोग साफ सफाइयाँ करते थे, फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट करने में लग गए। और एक दिन पहले मैंने सारे पकवान रात में बनाए थे, जैसा कि मैंने वीडियो में डाला है। और ये हमारा सेकंड पार्ट का वीडियो है, जो बहुत लेट से जा रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा, इसलिए कि हम लोग के पास टाइम बिल्कुल नहीं मुझे मिल पा रहा है आजकल, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा काम घर में बढ़ गया है, तो मैं वीडियो लेट से ही डाल रही हूँ। तो यहाँ हमारा सारा पूजा इसी तरह से होगा। तो जैसे जैसे पूजा हो रहा है, तो आज मौसम बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल नहीं धूप नहीं था, बारिश हो रहा था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी जो पकवान बनाया था उस दिन भी बहुत बारिश हुई थी, तो इसलिए इस बार फास्टिंग तो बिल्कुल नहीं पता चला। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा।